दोस्तों, हर एक वेली को पीएमजी दिशा का काम तो मिला नहीं है, तो जिनको मिला है वो सभी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी मैंने पासवर्ड भूल गया था, पीएमजी दिशा का जो हमारा पासवर्ड था वो हमने भूल गया, और वो भूलने के बाद दोस्तों हम फॉरगेट कर रहे थे, तो फॉरगेट होता ही नहीं था हमसे। तो हमें यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपका इस पोर्टल पर अभी तो हमारा लॉगिन है, तो चलिए इस पर लॉग आउट कर लेते हैं। अब देखिए हमारा ये फॉरगेट करना है, तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे फॉरगेट का नीचे में ऑप्शन आ रहा है, तो फॉरगेट करने के लिए दोस्तों इस पर फॉरगेट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको यूजर नेम मांगा जाएगा, तो यहाँ पे यूजर नेम आप कहाँ से ले सकते हैं, यहाँ पे जैसे पीएमजी दिशा पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए ये यूजर नेम आपका, इसे कॉपी कर लेंगे हम यहाँ से, और ये कॉपी हो चुका है। अब इसे हमें करना है फॉरगेट, तो फॉरगेट पे सिंपली क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, हमें ईमेल मांगता है, तो बहुत सारे वेली को क्या होता है कि ईमेल आईडी जो होता है वो अपने ईमेल दे देता है gmail.com का, लेकिन यहाँ पे दोस्तों जीमेल नहीं लगता है। अभी देखिए चलिए हम यहाँ पे अपना जीमेल डालते हैं, ये हमारा हो गया जीमेल। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं रिक्वेस्ट पासवर्ड, तो यहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड। ये प्रॉब्लम बहुत सारे को फेस करना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दोस्तों क्या है कि आपको सिंपली यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी ये आपका नहीं होता है, आपको यहाँ पे डीजीमेल का आईडी देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीएमजी दिशा पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ईमेल की जगह क्या आ रहा है, dgmail.in। तो ये कहने का मतलब हमारा कि जब भी हम फॉरगेट करेंगे पीएमजी दिशा का, तब हम क्या देंगे, डीजीमेल का जो आईडी है वो देंगे, dgmail.in वही आईडी देंगे, तब जाकर ये फॉरगेट हो। चलिए मान लीजिए अभी से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं हुआ यहाँ पे। अब जैसे कॉपी करके हम पेस्ट करेंगे, ये यहाँ पे आ जाइए प्रोफाइल में होगा, यहाँ से हम डीजीमेल पहले कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से डीजीमेल कॉपी कीजिए और फिर यहाँ पर एक मिनट, और यहाँ पे हम कंट्रोल भी कर देते हैं। अब देखिए हो जाएगा, ये क्या कह रहा है, न्यू पासवर्ड हैज बीन सेंड योर ईमेल आईडी, कहने का मतलब ईमेल आईडी या फिर आपके फोन पर मैसेज भी चला जाएगा, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो है उस पर और आपके मोबाइल नंबर दोनों पे सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे नीचे स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं मोबाइल पे जो आया है पासवर्ड। तो ये दोस्तों सिंपल तरीका, यहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत को पता नहीं है, इसलिए क्या होता है कि परेशानी का सामना करना होता है।